जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वुमेन बिग बैश का जो फर्स्ट मैच होने वाला है, यानी ब्रिस्बेन हीट्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच जो मैच होने वाला है उसको। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस मैच में क्या बैटिंग ऑर्डर सबका होगा, वो सब कुछ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके सर्च कीजिए @CricInformer, CRICINFORMER, @CricInformer सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको 3,94,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा सेम इसी यूजर नेम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मैच होने वाला है रेमिसेल ओवल मैकाया में, और ये विकेट जो रहता है वो बैलेंस वन रहता है अगर हम वुमेन मैचेज की बात करें तो। तो ओवरऑल तीनों ही डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ मिलेगा। लास्ट के 3 WBBL मैचेज देखें तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये आपको मतलब तीनों मैचेज के स्कोर दिखाई दे रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम हुए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग हुए हैं। पेस और स्पिन दोनों ही लगभग बराबर विकेट ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो यहां पे ब्रिस्बेन हीट का पलड़ा भारी है, 10 मुकाबले जीत चुके हैं सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट, और सिक्सर्स का हालिया फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। वहीं ब्रिस्बेन हीट बहुत ही ज्यादा हालिया दिनों में कंसिस्टेंट रही है। तो अगर ऑन द पेपर हम बात करें तो दोनों ही टीमें इस बार भी लगभग मतलब इस बार थोड़ा बराबर ही दिखाई दे रही है। तो कुछ हम बता नहीं सकते कि कैसा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन हिस्ट्री के अनुसार अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल डेटा ये बोलता है कि ब्रिस्बेन हीट थोड़ा सा फेवरेट रहेगी। बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट टीम के प्रीव्यू की। तो लास्ट सीजन 4th पोजीशन पे इन्होंने फिनिश किया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लगातार 5 बार से ये टॉप 4 में पहुंचे हैं, यानी फाइनल्स डे पे इन्होंने गेम खेला हुआ है। तो मतलब बहुत ही कंसिस्टेंट टीम है और टीम भी काफी अच्छी है। दो इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी नहीं खेलेंगे, एक है पूजा वस्त्राकर, दूसरी है डैनियल वायर, जो दोनों मिस करेंगी ये मैच। बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 के एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एमेलिया केर फिर वापस आ चुकी हैं खेलेंगी, और उनकी बहन स्केर भी इस मैच में खेलने वाली हैं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडवाइन मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगी, उसके बाद अमेलिया केर हैं, जेस जोनासन हैं, जॉर्जिया वॉल कभी कभी ऊपर भी आ जाती हैं, वन डाउन या टू डाउन भी इनका बैटिंग पोजीशन हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी नीचे बॉलर्स की हम बात करें तो इनके पास निकोला हैनकॉक, जेस केर और सी सेफल, ये तीन मतलब पेसर्स में बॉलर हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कितना ओवर कर सकता है। तो सबसे पहले तो इनके पास वर्ल्ड की दो टॉप स्पिनर्स हैं, अमेलिया केर और जेस जोनासन, ये दोनों 4 ओवर लगभग कन्फर्म करेंगे। इवन डेथ में भी ये बॉलिंग करती रहती हैं टीम से, तो इवन डेथ ओवर्स भी आप इनसे देख सकते हैं। हालांकि इनके पास डेथ में बॉलिंग करने के लिए जेस केर और निकोला हैनकॉक भी हैं, लेकिन ये स्पिनर्स को भी प्रीफर कर सकते हैं। और बहुत से महिला मैचों में आप देखते होंगे कि इवन टीम की मेन स्पिनर्स डेथ बॉलिंग करती हैं, तो ये दो तो कंफर्म करेंगी, प्लस जेस केर के भी अच्छे खासे चांसेस है कि 4 ओवर पूरे करेंगी। तो अब जो बचे 8 ओवर वो डिवाइडेड होंगे निकोला हैनकॉक में, सी सिपेल में और ग्रेस हैरिस में, मतलब इन तीनों में ओवर्स डिवाइड होते हुए आपको दिखाई देंगे। कितना कितना वो कोई नहीं बता सकता। डेथ ओवर्स कुछ भी कंफर्म नहीं है। केर, जेस जोनासन, मतलब दोनों केर सिस्टर्स और जेस जोनासन, इन तीनों में से मेरे हिसाब से कोई दो कर सकता है। हालांकि लास्ट सीजन ये निकोला हैनकॉक को प्रीफर कर रहे थे। टीम ब्रेकअप स्क्रीन पे है। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आती है ग्रेस हैरिस, जो कि तगड़ी हिटर मानी जाती है, WBBL में मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करती है। 32.3 के एवरेज से 420 रन किया था लास्ट सीजन, 13 इनिंग में 6 विकेट लिया था, और जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि 14 मुकाबलों के 13 मैच में इन्होंने बॉलिंग किया था, और जनरली ये 2 ओवर 3 ओवर करती रहती हैं चाहे सामने लेफ्ट हैंडर हो या ना हो, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगी, ओपन करेंगी, बहुत ही तगड़ी हिटर मानी जाती है, और प्लस बॉलिंग में विकेट भी ले सकती है, तो जीएल में आप कैप्टन भी इनको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आती हैं जॉर्जिया रेडवाइन, जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज मानी जाती हैं, और ये मतलब कि ए हिली की आइडियल रिप्लेसमेंट भी ऑस्ट्रेलिया टीम में यही रहेंगी। और अगर टीम पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखती
ए हेली की, तो ये अभी तक रिप्लेस भी कर चुकी होती है हेली को, क्योंकि हेली लगातार एक सालों से आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, बहुत ही कम मैचेज में चला हुआ है। तो अभी तो सिलेक्शन आप देखेंगे हेली का ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन फॉर्म वाइज ये बढ़िया पिक रहेंगी, टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो आप हेली के जगह इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बल्कि अगर हम बड़े नाम पर ना जाएँ, हेली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट वाली परफॉर्मर है, वो चलती हैं तो मैचेज जिता देती हैं, ये मैचेज तो शायद अपने दम पर ना जिताएं, लेकिन 30-40 कंसिस्टेंटली इसको करने वाली प्लेयर है, तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगी। आप विकेट कीपर में कभी भी हिली के ऊपर इनको प्रीफर कर सकते हैं। लास्ट सीजन भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 437 रन था 33.61 के एवरेज से। फिर आती है अमेलिया केर, जो कि बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, बैटिंग भी वन डाउन या टू डाउन करेंगी, प्लस विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करेंगी, मस्ट हैव पिक रहेंगी, इवन सबसे सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन भी दिखाई दे रही है। फिर आती है जेस जोनासन, एक और बेहतरीन ऑलराउंडर, बिग बैश में ये टॉप ऑर्डर में जनरली बैटिंग करती है, लास्ट सीजन थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ हो गया था तो नंबर 5-6 पे भी आने लगी थी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद नंबर 4 पे बैटिंग करने आए, नहीं तो अगर ये बॉल को ऊपर भेजेंगी तो ये फिर नंबर 5 पे चली जाएंगी, प्लस 4 ओवर कंफर्म है, इवन डेथ में भी बॉलिंग करती हैं, लास्ट सीजन वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से रही थी, 14 मुकाबलों में 21 विकेट लिया था, और सेकंड लास्ट सीजन तो वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर में भी रही थी, तो बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर, मस्ट हैव पिक रहेंगी, इवन सेफ वीसी की ऑप्शन भी रहेंगी। फिर आती है जॉर्जिया वॉल, जो कि काफी टेक्निकल बल्लेबाज मानी जाती हैं और रह रह के अच्छा स्कोरिंग भी करती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये वन डाउन मेंशन होती हैं तो आपके बैटिंग सेक्शन में इरिन बर्न और इनमें डिसाइड करना पड़ेगा, और इरिन बर्न्स अगर गेंदबाजी नहीं की तो फिर इनके बैटिंग आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक बैटिंग सेक्शन में हो सकती हैं, अच्छी बल्लेबाज है। फिर आती हैं लॉरा किमिंस, जो कि ग्रेस हैरिस की ही भाई हैं, हालांकि इनकी शादी हो गई थी डेलिसिया किमिंस से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में वन ऑफ द टॉप हिटर्स में से एक है, और इनसे बड़ा क्लीन हिटर जल्दी देखने को नहीं मिलता है, अगर ये मतलब टिक जाती है 10-15 बॉलें भी तो कभी कभार मैच का रुख बदल देती हैं, 10-15 बॉलों पे ये 25-30 रन बनाने की क्षमता रखती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मॉल लीग में आपके लिए अच्छी पिक नहीं होंगी, लेकिन जीएल में इनको एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा। सेकेंड लास्ट सीजन बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन सॉरी लास्ट सीजन बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी, लेकिन सेकेंड लास्ट सीजन बहुत ही तगड़ा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं एम हिंकली, ज्यादा बैटिंग आता नहीं, आराम से छोड़ सकते हैं। सी नॉट भी ज्यादा बॉलिंग नहीं करती, ज्यादा बैटिंग नहीं करती, आराम से इनको भी छोड़ सकते हैं। फिर आती है निकोला हैनकॉक, जो कि थोड़ा बहुत स्विंग गेंदबाजी के लिए जानी जाती है और चेंज ऑफ पेस के लिए जानी जाती है, इवन लास्ट सीजन ये डेथ में भी बॉलिंग कर रही थी, लेकिन अभी इनके पास जेस के रहे, अमेलिया के रहे, जेस जोनासन है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये डेथ में बॉलिंग करें, प्लस ओवर्स भी कट सकते हैं, तो स्मॉल लीग में तो उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी। हाँ, जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये विकेट टेकिंग टाइप के गेंदबाज हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देके चली जाती हैं, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती हैं। ग्रैंड लीग में एक आध बार आप रिस्क ले सकते हैं अगर फर्स्ट बॉलिंग आए तो, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करने के इनके थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं जेस केर, जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाज है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, शुरुआती ओवर्स में अगर मूवमेंट मिलता है तो अनप्लेएबल हो जाती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस भी जनरेट कर लेती हैं, ओवरऑल ये आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाएंगी, और न्यूजीलैंड से अभी बहुत ज़्यादा इन्होंने इंप्रेस भी किया हुआ है। फिर नीचे आती हैं सीसीपेल, लास्ट सीजन इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन अभी इस सीजन ओवर्स कट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इनके पास अच्छे बॉलर पहले से ही मौजूद हैं, तो ओवर्स कभी भी कम हो सकते हैं। हाँ, करेंट फॉर्म इनका अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट था उसमें बहुत अच्छा चल रहा है, देख सकते हैं आप लगातार दो दो विकेट ले रही हैं, ओवरऑल एक आध जीएल में ट्राई कीजिए, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी नहीं खेलेगा। अब बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स वुमेन टीम के प्रीव्यू की, तो सिडनी सिक्सर्स कभी इनकी वन ऑफ द टॉप टीम होती थी टूर्नामेंट की, और क्लियरली अगर आप लाइनअप देखते ना तो लगता कि ऑन द पेपर यही टीम ट्रॉफी जीतती, और इन्होंने शुरुआत भी अच्छा किया था, दो बार चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ लास्ट 3 सीजन से बहुत ही बुरे फॉर्म में है, इवन टीम भी अच्छी थी, तो इस सीजन थोड़ा सा टीम में चेंजेस किया, मरजाना कैप, डिबिनियर दोनों को इन्होंने बाहर कर दिया, हालांकि वो दोनों हमेशा ही परफॉर्म करती थी, लेकिन टीम को जैसा भी लगा, और इस सीजन कुछ नए साइनिंग किया हुआ इन्होंने, जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि इलियास पेरी बॉलिंग करेंगी, हाँ पूरा ओवर शायद ना करें, लेकिन एक दो ओवर शुरुआती में देख सकते हैं, जब उनको मूवमेंट मिलेगा तो वहां पे एक दो ओवर जरूर करके जाएंगी, और उन्होंने बोला भी है कि उनका बॉलिंग करना उनके ऑस्ट्रेलिया टीम में सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, और अभी उनका कोई मतलब सर्जरी हुआ था उसके बाद से अब वो बॉलिंग के लिए फिट है, तो कुछ ओवर्स आप उनसे देख सकते हैं। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की, तो बस एक दिक्कत है, इस टीम में ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, कौन कितना बॉलिंग करेगा वो बताना थोड़ा
थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फाइनल बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, तो उससे मत डाउट करिएगा क्योंकि यहाँ पे चेंजेज हो सकते हैं। एलियास पेरी नीचे भी जा सकती है, गार्डनर ऊपर भी आ सकती है, इवन इरिन बंस और निकोल बोल्टन ये भी टॉप ऑर्डर की प्लेयर है तो ये भी ऊपर जा सकती है। तो फिलहाल के लिए मुझे जो लगा है निकोल बोल्टन उतनी हिटर नहीं मानी जाती, तो मुझे लगता है ये हिटर्स को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और विकेट जल्दी गिरा कभी तब बोल्टन को मतलब विकेट को स्टेबलाइज करने के लिए लाएंगे, तो यही बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये तो हो गया इनका प्रोबेबल 11। अब जो है दिक्कत ये है कि कौन कितना ओवर करेगा वो बताना। यहां पे आप देख सकते हैं कि निकोल बोल्टन, इरिन बंस, ए गार्डनर, तीन इनके पास ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं जो मोस्ट ऑफ द मैचेज में बॉलिंग करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ लेफ्ट हैंडर्स सामने टीम में है कि नहीं। वैसे गार्डनर आप देखते होंगे कि जब लेफ्ट हैंडर्स हैं तभी ऑस्ट्रेलिया से गेंदबाजी करती हैं, लेकिन बिग बैश में लेफ्ट हैंडर्स ना भी हो तब भी बॉलिंग कर जाती हैं। तो इनके पास बॉलर्स अच्छे खासे हैं। नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखें तो इलियास पेरी दो ओवर कर सकती हैं, सोफी एकलस्टन चार ओवर कन्फर्म करेंगी। उसके अलावा इनके पास पेसर्स में एल चेटली हैं जो कि अभी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं, स्टेला कैम्बेल है, ब्राउन है, मतलब 7-8 बॉलिंग ऑप्शन है। उसमें बता पाना कि कौन कितना ओवर करेगा बहुत ही रिस्की है। एक ही बॉलर का मुझे अभी कंफर्म नजर आ रहा है चार ओवर, वो है सोफी एकलस्टन। उसके अलावा कौन कितना करेगा वो बताना मुश्किल है। यहां पे मतलब कि निकोल बोल्टन लास्ट सीजन लगभग हर मैच में बॉलिंग कर रही थी, गार्डनर ने भी मोस्ट ऑफ द मैचेज में बॉलिंग किया और बंस फिट हो चुके हैं तो ये भी बॉलिंग कर सकती हैं, लेकिन बोल्टन और गार्डनर से थोड़ा सा इनके कम चांसेस रहेंगे तो बॉलिंग बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैटलन ब्राउन शायद ज्यादा ओवर्स करें क्योंकि ये विकेट टेकिंग गेंदबाज मानी जाती हैं। तो फिलहाल के लिए जो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है वो है स्टेला कैंपेल, मैटलन ब्राउन, एल चिटली, ये तीन पेसर्स में है, प्लस इलियास पेरी भी एक दो ओवर करेंगी। स्पिनर्स में इनके पास सोफी एकलस्टन, इनके चार ओवर पूरे हैं, उसके बाद निकोल बोल्टन है, ए गार्डनर है, इरिन बंस है। आप बोल्टन से 2-3 ओवर देख सकते हैं, गार्डनर से भी 2-3 ओवर देख सकते हैं, इरिन बंस का मैं श्योर नहीं हूं कि कितना बॉलिंग करेंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। इनका बॉलिंग बता पाना अभी बहुत ही रिस्की है जब तक कि आप पहला मैच ना देख लें। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आती हैं इलियास हिली, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, बहुत ही तगड़ी हिटर है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपैक्ट वाली बल्लेबाज है, लेकिन लास्ट एक सालों से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, इंटरनेशनल मैचेज में भी इधर कुछ खास नहीं किया है, लेकिन ये जब चलती हैं तो बहुत ही ज्यादा स्कोर कर जाती हैं। इस समय कॉन्फिडेंस की कमी है लेकिन बल्लेबाज तगड़ी हैं, तो आप अगर नाम पे जाना चाहते हैं तो इनको प्रीफर कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म पे जाना चाहते हैं तो फॉर्म उनका अच्छा है रेड मायने का, बस वही है कि रेड मायने बहुत इंपैक्ट वाला इनिंग नहीं खेलती, ये जब टिकती हैं तो फिर अंधाधुन हिटिंग करती हैं और इनसे बड़ा हिटर फिर आपको नजर नहीं आएगा, तो ये आपके लिए डिसेंट पिक रहेंगी, आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुजी बेट्स बहुत ही शानदार बल्लेबाज, इस समय बेहतरीन फॉर्म में है और हालिया दिनों में बॉलिंग भी रिज्यूम कर दिया है, लेकिन इतने बॉलर्स इनके पास हैं तो मुझे नहीं लगता टीम इतना माथापच्ची करेगी कि इनको भी बॉलिंग दे, तो मोस्ट प्रॉब्ली एज ए बैटर ही खेलेंगी और एज ए बैटर बढ़िया पिक रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग भी करती हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं। फिर आती हैं इलियास पेरी जो कि थोड़ा सा स्लो खेलने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अगर अभी तक आप कंपेयर करेंगे तो इनसे बड़ा प्लेयर वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री में आया नहीं है, जितनी लाजवाब फील्डर हैं उतनी ही लाजवाब गेंदबाज हैं, हालांकि इधर इंजरी के कारण थोड़ा सा बॉलिंग इनका गड़बड़ हुआ है, और उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वनडे टेस्ट में तो जल्दी कोई इनको आउट नहीं कर पाता, टी20 में थोड़ा सा स्लो खेलती हैं, आउट तो तब भी जल्दी नहीं होती, लेकिन वही स्लो खेलती हैं इसलिए इनको टीम से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हालिया दिनों में जो 100 वाला हुआ था उसमें 136 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने स्कोरिंग किया था, बहुत ही लाजवाब प्लेयर, प्लस कुछ ओवर्स बॉलिंग भी करेंगी, मतलब आप कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आती हैं ए गार्डनर, हाँ पेरी स्विंग गेंदबाजी के लिए ज्यादा जानी जाती है, यह बात ध्यान दीजिएगा। फिर आती हैं ए गार्डनर जो कि तगड़ी हिटर हैं, प्लस कुछ ओवर्स बॉलिंग भी करके जा सकती हैं और 1-2 ओवर की उम्मीद आप जरूर करेंगे, इंपैक्ट वाली बल्लेबाज हैं, लास्ट सीजन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बॉलिंग कर सकती हैं प्लस बैटिंग करेंगे, इसलिए मस्ट हैव पिक, जीएल में आप कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। फिर आती हैं इरिन बंस जो कि बहुत ही शानदार ऑलराउंडर मानी जाती हैं, हालांकि इनको मतलब इनके सीनियर प्लेयर्स थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हैं तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिलेगा और बैटिंग भी थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, इसीलिए उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, लेकिन बैटिंग सेक्शन में अभी भी थर्ड पिक में आपको जी
जी वॉल और इनमें सेलेक्ट करना होगा। तो जी वॉल का अगर बैटिंग ऑर्डर नीचे होगा, इनका भी सेम अगर उसी पोजीशन पे होता है, तो आप इनको प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ ये है कि ये एक दो ओवर बॉलिंग करके जा सकती हैं, टेक्निकल बल्लेबाज है प्लस बॉलिंग में विकेट भी लेती हैं। फिर आती है निकोल बोल्टन, जो कि स्लो बैटिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज हैं। आप ओडीआई में इनका एवरेज देखिएगा, 41.21 का एवरेज है, लेकिन स्लो बैटिंग के कारण ही इनको निकाल दिया गया। तो थोड़ा सा स्लो बैटिंग करेंगे, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज हैं, प्लस कुछ ओवर्स बॉलिंग कर जाएंगी। ओवरऑल स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी नीचे रहेगा, प्लस ओवर्स कितना रहेगा वो श्योर नहीं है, लेकिन जीएल में इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि जीएल में मतलब कि ऐसे प्लेयर जो रहेंगे वो ऐसे होते हैं कि वो कभी भी इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगी, क्योंकि स्मॉल लीग में आपके पास अच्छे ऑलराउंडर्स पहले से ही हैं, तो उनको आप प्रीफर करेंगे। लास्ट सीजन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था, 31 का एवरेज था, 11 मुकाबलों में 8 विकेट भी लिया था। फिर आती है सोफी गेलिस्टन, इस समय वर्ल्ड क्रिकेट की वन ऑफ द टॉप स्पिनर, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेती हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर सकती हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल ये बैटिंग में भी आके अच्छे अच्छे रन मतलब अच्छे अच्छे हिट्स लगा रही हैं। अभी आप कॉमनवेल्थ में देखिए, वहां पे एक मैच में 10 बॉलों पे और लगभग 25-30 रन बना दिया था। इंडिया के खिलाफ भी एक मैच में अभी ऐसा ही किया था जो लास्ट सीरीज हुआ था। मतलब ये बैटिंग बैकअप भी दे के जाएंगी, जीएल में कैप्टन कर लीजिएगा, बंडल्स में कई बार विकेट लेके जाती हैं। फिर आती हैं मैटलन ब्राउन, जो कि विकेट टेकिंग बॉलर मानी जाती हैं, पिटाई होती है इनकी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनको विकेट मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट सीजन भी अच्छा परफॉर्मेंस था, बस विकेट ज़्यादा नहीं मिला था, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेज में ये 3 से 4 ओवर कर रही थी, और डेथ में लगभग कंफर्म गेंदबाजी करती हैं। करेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, लास्ट के 2 मैचों में 7 विकेट ले चुकी हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो ये आपके लिए अच्छी पिक स्मॉल लीग में हो सकती हैं। फिर आती हैं स्टेला कैम्पबेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भी खेल चुकी हैं, स्विंग गेंदबाजी के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं, हालांकि कभी कभार डेथ में भी बॉलिंग दिया जाता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, स्विंग गेंदबाज ज़्यादा हैं, तो हो सकता है शुरुआत में ज़्यादा ओवर्स करके जाएं। ओवरऑल कभी कभार ही ज़्यादा विकेट लेती है, मोस्ट ऑफ द टाइम एकाक विकेट या विकेटलेस, जीएल में ट्राई करेंगे, ज्यादा बढ़िया है, करेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर आती है एल चिटली, जिनका फॉर्म इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, अपने एक्स्ट्रा पेस और लाइन लेंथ के लिए जानी जाती हैं, और मतलब कि टॉप 5 में पेस जनरेट में अपने कंट्री में है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया टीम से भी खेल चुकी हैं। ओवरऑल एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में आपको एक प्लेयर में डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा एवरेज प्लेयर्स में, तो उसमें यह ऑप्शन एक ठीक ठाक रहेंगे। लास्ट सीजन भी 8 मुकाबलों में 10 विकेट लिया था, विकेट टेकिंग टाइप के गेंदबाज है, और अभी आप देखिए लास्ट के 5 मैचों में टोटल 8 विकेट ले चुकी हैं, तो फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, प्लस ये विकेट टेकिंग टाइप के गेंदबाज हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। कहां पे? जहां पे बॉलिंग सेक्शन में आपको डिसाइड करना है एक प्लेयर में, क्योंकि 2 डिफॉल्ट पिक वहां पे रहेंगे, नीचे मोस्ट प्रॉबली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में हिली के साथ मैं जा रहा हूँ, हालांकि रेडमाइने फॉर्म के हिसाब से ज़्यादा अच्छी पिक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबल 11 में शायद रेडमाइने RHB लिखी हुई है, तो वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, वहाँ पे मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। तो हिली ये आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी, इम्पैक्ट वाली बल्लेबाज है, इसलिए मैंने इनको कवर किया, लेकिन आप रेडमाइने को ले सकते हैं। रेडमाइने का फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, तो इलियास पेरी, सुजी बेट्स मस्ट हैव पिक रहेंगे, DYAT अवेलेबल है नहीं, एल किमिंस एकाक जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, तगड़ी हिटर है और कभी कभी आके 9-10 बॉलों पे ये 25-30 बना देती हैं। नीचे जॉर्जिया वॉल, ये आपके लिए एक ठीक ठाक पिक होती हैं, कब 1 डाउन या 2 डाउन मेंशन होती हैं, लेकिन अगर वॉल और बर्न्स दोनों का बैटिंग पोजीशन सेम मेंशन हो, तो उस केस में आपके लिए बर्न्स थोड़ा सा ज्यादा अच्छी पिक हो जाएंगी। उसका रीजन ये है कि बर्न्स इनसे ज्यादा इंपैक्ट वाली बल्लेबाज हैं, अच्छी हिटर हैं, प्लस बॉलिंग कर सकती हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए मैंने बर्न्स को लिया है। ऑलराउंडर्स में जेस जोनासन, अमेलिया केर, ए गार्डनर और ग्रेस हैरिस, ये 4 डिफॉल्ट पिक हैं, तो बाकी सबके बारे में आपको सोचना नहीं है स्मॉल लीग में, लेकिन ग्रैंड लीग में आप क्या करिएगा, जैसे ग्रेस हैरिस उतनी कंसिस्टेंट कई बार नहीं रहती, गार्डनर भी उतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती, तो इनमें रोटेशन आप कर लीजिएगा निकोल बोल्टन का और इवन मैटलन ब्राउन का, अगर पहली बॉलिंग सिडनी सिक्सर्स की आ जाती है तो। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, एकलिस्टन, जेस्के, ये डिफॉल्ट पिक रहेंगे, उसके बाद एल चेटले, जो बची गेंदबाज है उसमें सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग है, फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। स्टेला कैम्पबेल को एकाक जीएल में रोटेशन में आप चेटले के साथ ट्राई कर लीजिएगा, सेम आप कर सकते हैं निकोला हैंकॉक के साथ, हैंकॉक भी विकेट टेकिंग गेंदबाज है और ब्रिस्बेन हिट पहले बॉलिंग की, तो हो सकता है डेथ में भी बॉलिंग करें, तो आप हैंकॉक को भी चिटले के जगह जीएल में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो केयर कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन है। वीसी में आपके पास कई अच्छे ऑप्शन है, जेस जोनासन है, इलियास पेरी है, ग्रेस हैरिस है, ए गार्डनर है, तो अपने हिसाब से रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ग्रैंड लीग में एकलिस्टन को जरूर कैप्टन कर लीजिएगा, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर आपको ग्रैंड लीग में बनाना है, तो एक तो मैंने बोला
निकोल बोल्टन का यहाँ पर रोटेशन कर सकते हैं, दूसरा चिटली की जगह आप हैंकॉक का रोटेशन कर सकते हैं या स्टेला कैम्बेल का कर सकते हैं, और प्लस सीओवीसी का रोटेशन आप कीजिए इस टीम में। आप कई टीम बना सकते हैं और सारी ही टीमें अच्छी रहेंगी और उसमें से कोई भी टीम जीएल भी ला सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टिप्स समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद।